सलमान खान ने फ्रंटलाइन वर्कर्स में बंटवाए 5000 फूड पैकेट्स, खुद चक्कर चेक की खाने की क्वालिटी, वीडियो हुआ वायरल। देश में कोरोना महामारी के गंभीर हालातों के बीच सोनू सूद समेत कई बॉलीवुड सेलिब्स जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। सलमान खान भी इस नेक काम में पीछे नहीं है। रविवार को सलमान ने मुंबई में कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए उनके बीच 5000 फूड पैकेट्स बंटवाए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सलमान कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भाईजान किचन में बनाए जा रहे फूड की क्वालिटी खुद चक्कर चेक करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने दूसरी तैयारियों का भी जायजा लिया। सलमान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस सलमान खान के इस नेक काम के लिए उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वायरल फोटोज और वीडियोज में सलमान खान के साथ आई लव मुंबई नाम के एनजीओ के मेंबर राहुल कनल भी नजर आ रहे हैं। राहुल कनल शिवसेना के यूथ विंग युवा सेना की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। एक इंटरव्यू में राहुल ने कहा था कि सलमान भाई फ्रंटलाइन वर्कर्स की बहुत इज्जत करते हैं। सलमान भाई की मां खुद अपने हाथों से बनाए भोजन का टिफिन उन पुलिस कर्मियों को देती हैं जो उनके घर के बाहर मौजूद हैं। तो ऐसे में सलमान भाई ने सोचा कि लॉकडाउन चल रहा है और फ्रंटलाइन वर्कर्स 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, ऐसे में उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और उनकी कुछ मदद भी। खबरों के मुताबिक सलमान खान के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से मुंबई के फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस, मेडिकल स्टाफ और बीएमसी कर्मचारियों के लिए पिछले कुछ हफ्तों से रोजाना भाईजान किचन में नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा है। इस नेक काम में सलमान खान की फाउंडेशन के साथ आई लव मुंबई एनजीओ भी उनका साथ दे रही है। सलमान खान का भाईजान किचन मुंबई के बांद्रा पश्चिम इलाके में स्थित है। शहर के कई इलाकों में बीइंग हंग्री नाम के मिनी ट्रक के माध्यम से फूड पैकेट्स फ्रंटलाइन वर्कर्स में बांटे जाते हैं। आपको बता दें कि बीते साल भी सलमान खान ने लॉकडाउन के समय में गरीबों और जरूरतमंदों को खाने से लेकर दूसरी जरूरी सामान मुहैया करवाने में मदद की थी। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।